हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू अदर ब्यूटीफुल डे। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। ये देखो, क्या ये तेज आवाज है, इनके कपड़े उड़ने से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आज हमारे छत पे कोई कपड़ा नहीं है। मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। हवा बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन यार ये जो थोड़ी सी अंदर धूप है ना, ये काम खराब कर रही है। और लोग देखे, ठंडी हवा की वजह से बाहर निकले हुए, बंदा पूछे ना को कार से आना बैठा नहीं आंदा, नहीं वो मौसम इंजॉय कर रहे हैं। और क्या हाल है आप सबका? एक और भाई तो उन्होंने कहा था हेलो मेरी तरफ से, हाय हेलो कैसे आप, ठीक है। मैंने सोचा यार उनका थोड़ा दिल रख लेता हूँ, उन्होंने मुझे हेलो किया था, बाद में ये ना कहेंगे एटीट्यूड। ये देख रहे हैं, ये जुगाड़ होता है देसी मदर्स का। सो ये एक पीछे आपने हुक से लगानी, इसके आपने डोर कनेक्ट कर देना। नाइस। अब जो है हवा की वजह से दरवाजा बार बार ऐसे ठाठा बजेगा। ब्लॉग खराब, ओहो मामा ये देखो ब्लॉग खराब कर रहा है, इसे आप मना कर रहे हैं। आप इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? आपने कभी गौर से देखा नहीं। यस यस, बहुत ज्यादा खूबसूरत, ऐसे लग रहा है जैसे ना एक गुलाब के ऊपर जो है मधुमक्खी बैठ के इसका सारा जूस पी गई। सॉरी सॉरी मामा, बट यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। क्या जूस पीने से मतलब आप स्मेल स्मार्ट हो गई हैं, खूबसूरत। हाँ, मैं समझ आ गई है। नहीं नहीं सच्ची, आर यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। हाय मामा जी, बता जेनिफर, दिखा इधर आ जरा, बता वो जैसे गुलाब के फूल के ऊपर एक शहद की मक्खी बैठ के उसका सारा फूल पर शहद की मक्खी ने बैठ के बार बार दिया। ऐसे निकल जा तो पढ़ जाके तो बहुत ही पढ़ लिया जा, बंदा पूछा ना अंदर रास्ते नहीं होता। अच्छा ठीक, अच्छा मैं लग रही थी वैसे ही है ना मामा, इतनी खूबसूरत शहद की मक्खी जैसे। हेलो, इतना मुझे वो पसंद है, तो बेटा वापस आठ भी कार आ तेरा फिर वेखा हाल के कर दा। ये कतरे गिरे रहे, चलाक है ये, वो भी छुट्टी के प्रोग्राम। मैं हाँ जी, ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है मामा, बहुत बारिश हो रही है, तो बच्चे लेट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं 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 डांटते, वो पेपर स्टार्ट होने वाले बेटा, तो टाइम से अकेडमी पहुंचे। 4 तारीख को है पेपर। हां 9 को, 9 तारीख को। हां मुतने देर मामा घर बैठ के कंबाइंड स्टडी कर लेती हैं, आप क्या कह रही हैं आप? चुप, अरुष तो चलो इंटेलिजेंट है, आप दोनों को तो है ना जरूरत। इसका बस ऑपोजिट कर ले मामा, ये कहना है ऑपोजिट ऑपोजिट। हां ऑपोजिट कर ले, मामा बता। ये देखें ब्रेजन का खाना उसे कितने प्यार से खिला रही, भाई हमसे तो फिर डॉगी अच्छा है ना, जो कायनात इतने खूबसूरत हाथों से हैं, खूबसूरत हाथों से खा रहा खाना। वाह भाई वाह, भाई बहन लग रहे हैं, इतनी मोहब्बत उनमें ही होती है। A few moments later, वाओ देखो खुद ब खुद ही दरवाजा खुल गया, क्योंकि हवा की वजह से। वाओ क्या मौसम ब्यूटीफुल, वाह वाह कितना प्यारा मौसम है ना। मैंने खा लिया है खाना, आज का मौसम कितना सुहाना है, हाय 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 क्या प्यारा। राइमिंग में थोड़ी मेरी प्रॉब्लम है, उसको आप इग्नोर कर देना। और आज वैसे यार हमने छुट्टी करनी नहीं थी, लेकिन छुट्टी हो गई। अच्छा हमको सिखा रही है, इसलिए हुई है।
क्योंकि पूरे 3 बजे तो बारिश शुरू होगी। फिर मैंने कहा चलो 5-6 मिनट लेट चल जाऊंगा, बारिश रुकने का वेट करता हूँ। अहिया भी नीचे तैयार होकर बैठी, मैं भी तैयार ही हुआ था, तो बारिश रुकी नहीं और अब 3:30 बजे जाकर रुकी है, इतनी लेट में जा नहीं सकता। देखें और पता नहीं पापा जी वो देखिए वो जा रही है क्योंकि वो है फर्स्ट ईयर में और वो इतनी थोड़ी लेट जा सकती है। मैं क्या उन्होंने मैंने पहले तो कुटना तो मैं कहूँगा बारिश हो रही थी, अन्ना भी थोड़ा मेरी क्या है ना। मामा भी ना आकर पर मौसम इंजॉय करने आ गए और ये धूप जो है ना ये आकर काम खराब कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे सड़क से, आप हिसाब लगाना कि कितनी भी तेज बारिश हुई थी, है ना। ये देखते बारिश बहुत तेज हुई थी लेकिन अब जो है ख़त्म हो गई है, अभी थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाएगी। पता नहीं क्या हो रहा है, 2 मिनट हो रही 2 मिनट बाद। अभी हमारे घर एक नई बहन आई है, मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब कि छोटी सी है, अभी मैं से गोदी में उठाया, वो भी दिखाते हैं। ये देखे कच्ची कच्ची का मेरा बेटा है कच्ची, ये देखो इसके सर के नीचे हाथ रखना बहुत जरूरी, वरना ये देखो इसकी गर्दन ये हिल गई, ये हिल गई, इस बच्चों के गर्दन के नीचे हाथ रखना बहुत जरूरी होता है। अल्लाह चाचा शो, और इसे एक बहुत अच्छी आदत शुक्र है नहीं है कि अंगूठा नहीं है पीती है। देखो बच्ची शो की बड़ी जी लग गई, बचपन में ये बच्ची बहुत पीती होती थी, फिर पापा ने इसके सर में रोज ठुंगे मारते थे, ठीक है, और फिर इसने छोड़ दिया। गुड गर्ल, आए मिला ताता, आए चकरे जाओ, अल्लाह ताता शो पीए, गंदे 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 बच्चे। ये देखो बाइक के हालात इतनी 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 ज्यादा तेज बारिश, वो देखो कितनी बुरी यहाँ से बिजली गिरी है ना, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या। हाँ क्या मौसम है, ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ, कहीं पे कभी धूप आ जाती कभी छाँव हो जाती है वाकई। और आज मेरे घर बन रहा है वो पहले आपको दिखाता हूँ, अरे आज मेरे घर बन रहे हैं चने चावल मजेदार। अब मैं ऊपर आपको जाकर दिखाता हूँ कि इतनी तेज बारिश हुई है ना और इतनी तेज हवा ये मौसम के हिसाब से, हीरो की बारिश। ये देखो अभी अब मैं ऊपर आया ही हूँ तो बारिश मुझे देख के तो बारिश शुरू हो गई। ये लो आह बहुत तेज बारिश है, वेट वो क्या है, ये क्या है, ये देखो क्या हालत है, उड़ के लगता है कुछ दूसरों का घर से यहाँ पे गिर के आ गया, कोई पता नहीं क्या है वो चीज़, हमें जाके देखता है लेकिन थोड़ी बारिश रुक जाए। और ये देखो चारपाई का क्या हाल हुआ है, ब्रिजन ये क्या हो रहा है यार, और वो पता नहीं क्या गिर गया हमारे घर आके। ये देखो ये देखो ये देखो आवाज देख रहे हैं ना, जैसे ही मैं कैमरा बंद कर दें तब ऐसे बादल गरजते हैं और जब मैं ऑन कर देता हूँ समझ नहीं आ रही। खान वो पठान को जाकर जाकर कहते हैं ना खान ये दे दो खान, और वो ही मेरे मुंह पे चढ़ा खान। ये देखो अब कितनी तेज हो गई बारिश ओ यार, और मेरे मामा पापा आज फिर चले गए इस टाइम बाहर, अब गए होंगे कुछ और खाने। ये देखो सर ओ हो इतनी तेज हो रही है बारिश, ओ माय गॉड इतनी, ओ मेनू क्या हो रहा है, नहीं यार ये मैं बारिश इंजॉय कर रहा हूँ, चेक करें जरा यार ये देखो, हाँ आ जा आ जा चेक करो, व्हाट इज दिस, ओ ब्लॉगर आई है, अच्छा आ जा आ जा इधर देख जरा इधर दिखा क्या है वो नजर ही ना, हाँ बारिश चेक करने कितनी तेज हो रही है, ब्रिजन में नहाई नहाई कर रहा है, जा ब्रिजन लेट्स गो जाओ नहाओ, चलो उसको बुखार फीवर हो जाएगा, चल जा फीवर हो जाएगा। हमारे मुल्क की इज्जत जो है वहाँ पे जो है गीली हो रही थी तो हम जो है इसे यहाँ पे उठा कर यहाँ, क्योंकि जब बारिश खत्म वैसे हो ही गई है लेकिन दोबारा शुरू हो जाएगी तो फिर गीला हो जाएगा ना, तो इसे यहाँ पे लाइट मारने के लिए इस तरह मैंने किया यार। ये देखिए पता नहीं क्या उठ के आया, ये लगता क्लीन ग्रीन कलर का क्लीन, ये कौन अपनी छत पे, लगता है ये आसपास से कहीं आया है क्योंकि ये ओहो ये ऊपर को उड़ के आएगा, ये वहां कहीं से ऊंची जगह से ना उड़ के यहाँ पे आके गिरा है, और ये भी मोर ये भी कोई कपड़ा है
लगता है किसी ने अपना सूट किया होगा और भैया ऊपर डाला होगा कि सूख जाए फिर सिलने के लिए दूंगी। अब ये पता नहीं यार इनका क्या करूं मैं, फेंक दूं जाके, फेंक दूं यार रोज। तूने इसका सूट बनवाना बता जल्दी। चला दे नीचे, देखो पता नहीं क्या उड़ के आ गया कपड़े। बाद में ये होता है ये चिपचिपाहट, वो जो ब्रांड जैसा चिपचिपाहट वो मुझे बड़ी गंदी लगती है। चार पैर मैंने सीधे कर दिया और क्या, ये कपड़े को उठा के ना इस साइड पे रखते हैं क्योंकि दरमियान में गिरा होगा सारा। वैसे अब कौन लेने आए, वैसे यहाँ पे ऐसे करते हैं जो भी सी ना कम से कम धो के तो पाते हो गंदे छिपकली है। ऐ किसी माई का सूट भी चुक के उठे रख दें। बंटी का तो कोई पता भी नहीं, इंदी भी अमरेला फ्रॉक से बाहर। आ देखो शावर की बोतल का ब्रिजन ने क्या हाल किया और ऊपर ले आया। नीचे लाइट भी आ गई है, इसे हम नीचे ही ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे पड़ा रहेगा तो गंदा हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने निकाला था ब्रिजन को मारने के लिए। हमारी बारिश की हालत में इसने क्यों ले लिया इसे का आई क्यों थी? ये देख कहती मैं एकेडमी और घर के रास्ते के दरमियान में आके रुकी रुक गिरी बारिश हो रही थी बहुत तेज लग तो नहीं रहा के तो बारिश हो रही। अभी जब बारिश रुक गया तब। अच्छा तुम्हारी पढ़ाई कैसी रही? बेचारी के देख बुखार के दाने। पढ़ाई कैसी रही है तुम्हारी? अच्छी। ओके अभी जल्दी जल्दी वो चने चावल बनाती है फिर खाते हैं और यहाँ में देखते हैं वो क्या कर रही है। हेलो इन्हें एक ही काम में का। अभी मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखा सकता लेकिन ना ये रात को बारिश बहुत तेज हुई थी उसकी वजह से जूतियाँ भी उड़ के आ गई। देखो ये भी आ गई है, ये भी आ गई है, पता नहीं कहाँ से आई हैं और हम जो है इससे मुझे लगता है इनकी हैं। आंटी यहाँ से कपड़े धो रही हैं, अब क्या करूँ? अब इनसे मैं मुँह धो के फिर आपसे मिलता हूँ नहा के। ये लगा हुआ मेरा कल वाला व्लॉग ठीक है और अभी तब से हंसी जा रही लेकिन इसके बाद जो है इसकी हंसी गायब होने वाली है। सिर्फ ये 2 सेकंड इसके बाद वीडियो है, देखते हैं चले आए। इस वीडियो के पीछे तेरी चाहत अगर किसी को नहीं समझ आया कि ये लास्ट वाला पार्ट क्या था जिसमें रोज के रिएक्शन हमने देखे, अगर आपको नहीं पता तो आपने कल वाला जाकर पहले व्लॉग देखना है, इसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा इस बात पे रिएक्शन दे रही थी उसके अंदर एक बड़ी प्यारी इसकी वीडियो थी। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेल एंड लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मी यूट्यूब चैनल डबल अकाउंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय।